हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक दिया हमारा पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ ग्रिड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी बनावट के अनुसार पट्टों के प्रकार, बनावट के अनुसार पट्टों के प्रकार। पट्टे में हमारे बिल बनावट के अनुसार पट्टों के प्रकार, बनावट के अनुसार सबसे पहले हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले पढ़ते हैं लेदर बेल्ट। लेदर बेल्ट इसे बोलेंगे हम चमड़े का पट्टा बोलेंगे। इसमें पॉइंट दिए, हमारे यह पट्टे चमड़े की, यह पट्टे चमड़े की एक या एक या एक से अधिक सतह को आपस में जोड़कर तैयार किया जाता है। एक लेयर वाली पट्टी की मोटाई पाँच एमएम से आठ एमएम तथा दो सतह की मोटाई 10 8 एमएम से 10 एमएम दो सतहों की मोटाई 8 एमएम से 10 एमएम तक होती है, 10 एमएम तक होती है। अब सतह तक होती है, इसमें देखेंगे और नहीं कि एक सतह वाला पट्टा 10 किलोग्राम पर मिलीमीटर तक लोड खींच सकता है, सबसे पहले दिया है इसमें टॉपिक अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बनावट के अनुसार पट्टों के प्रकार दिया। पहला दिया लेदर का ब्लेड बेल्ट, इसे बने चमड़े का पट्टा, यह पट्टे चमड़े की एक या एक से अधिक सतहों को आपस में जोड़कर तैयार किया जाता है। सतह यानी लेयर, यहाँ पे दिया हमारा, यहाँ पे दिया हमारा लेयर। जैसे कि एक लेयर वाली
बड्डे की मोटाई 5 से 8 mm होती है, जैसे कि एग्जांपल क्या दिया डायग्राम में आपको बता रहा हूं, ये दिया हमने, इसकी जो मोटाई दी है ये दिया है 7 mm, 1 लीटर वाली बट्टे की मोटाई 5 से 8 mm, तो 2 सतह वाली मोटाई से 8 से 10, ये दिया हमें डबल, टोटल कितना हो जाएगा, ये दिया है 10 mm, इसे बोलेंगे लेहर, एक के ऊपर एक, उसे बोला जाता है लेयर। वाली पट्टे की मोटाई 5 mm से 8 mm को, तो 2 सतह की मोटाई 8 mm से 10 mm तक होती है। एक सतह वाला, अभी इसका वेट दिया, इसका लोड दिया, अभी 10 kg/mm तक लोड खींच सकता है। लोडिंग कितना दिया है इसमें, 10 kg/mm तक लोड खींच सकता है। ये हमारा बनावट के अनुसार पट्टे के प्रकार, इसमें लेयर है, एक लेयर वाली 5 mm से 8 mm तक, और दूसरा दिया है 8 से 10 mm तक होती है। एक लेयर का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक कोटिंग चढ़ाना, एक के ऊपर एक कोटिंग चढ़ाना। दूसरा देखेंगे हम, दूसरा जो पॉइंट दिया है इसमें, दूसरा दिया है कॉटन और कैनवस, कॉटन और कैनवस बेड, इसे बोलेंगे हम कपड़ा है, कैनवस का कपड़ा है, कैनवस का पट्टा दिया उसमें। पहले पॉइंट की तरफ जाएंगे, ये पट्टे कपड़ों के सतह को आपस में जोड़कर या मिलकर बनाते हैं या तैयार किया जाता है, तथा भिन्न भिन्न मोटाई में 3 से 10 कपड़ों मोटाई में 3 से 10 कपड़ों की सतहों को मिलकर बनाए जाते हैं। ये पट्टे चमड़ों की
के पट्टों की अपेक्षा अधिक मजबूत होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं। अब देखेंगे दूसरा जो पद है हमारा कॉटन का क्या है। कॉटन का मतलब होता है कपड़े का। इसमें क्या दिया है कि ये पट्टे कपड़ों को, कपड़ों की सतह को आपस में मिलकर बनाए जाते हैं। जिसका जो मटेरियल दिया हुआ वो कॉटन है, कपड़े का दिया है, को आपस में मिलकर बनाया जाता है। तथा इसमें लेयर दिया हमें 3 से 8 लेयर। कितना दिया है? 3 से 10 कपड़ों की सतहों को मिलकर बनाया जाता है। ये पट्टे चमड़ों के पट्टों की अपेक्षा अधिक मजबूत होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं। जो बेल्ट कपड़े या कैनवस के बनाए जाते हैं उसे कॉटन और कैनवस बेल्ट कहा जाता है, जिनका मटेरियल यह होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसे तीसरा पॉइंट रबर का पट्टा। नेक्स्ट दिया है तीसरा पॉइंट दिया है रबर का इसमें देखेंगे रबर का पट्टा। इस प्रकार के पट्टों, कपड़ों तथा रबरों की सतह करके तैयार किया जाता है। क्या दिया इसमें पॉइंट? इस प्रकार के पट्टे कपड़े तथा रबरों की सतह यानी लेयर लेयर करके तैयार किया जाता है, करके तैयार किया जाता है, करके तैयार किया जाता है। इसमें इसके बाद बिना जोड़ के पट्टे इस विधि में तैयार किया जाता है या की जाती है। इसमें जोड़ न होने के कारण इसमें जोड़ न होने के कारण वाइब्रेशन कम होती है, और इन पट्टों पर
नमी का और इन पट्टों पर नमी का असर नहीं पड़ता है और इन पट्टों पर नमी का असर नहीं होता, परंतु परंतु ऑयल और ग्रीस के संपर्क में आने से संपर्क में आने परंतु ऑयल ग्रीस के संपर्क में आने से पट्टे खराब हो जाते हैं, पट्टे खराब हो जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो दिया है हमारा रबर का पट्टा, इस रबर के पट्टे में जोड़ नहीं होता है, इस रबर के पट्टे में जोड़ नहीं होता है, इस रबर के पट्टे में जोड़ नहीं होने के कारण इसमें वाइब्रेशन, इसमें वाइब्रेशन यानी धड़कन कम होती है और इन पट्टों पर नमी का यानी तापमान और नमी का कोई असर नहीं होता है, परंतु ऑयल और ग्रीस के संपर्क में आने पर पट्टे खराब हो जाते हैं, इसलिए इसे रबर का पट्टा कहा जाता है। देखिए तीसरा जो दिया रबर का पट्टा, इस प्रकार के पट्टे में कपड़े तथा रबड़ों की सतह लेयर करके तैयार किया जाता है। मैं आपको बताया लेयर एक के ऊपर एक, ये इस प्रकार लेयर, ये एक लेयर, ये दूसरी, ये तीसरी है चौथी, इसे बोलेंगे हम लेयर, इसे बोलेंगे हम लेयर। इस प्रकार के कपड़े तथा रबड़ों की सतह तैयार किया जाता है बिना जोड़ के पट्टे, इस विधि में किया जाता है यानी बिना जोड़े हम इसका उपयोग किया जाता है कि इसमें जोड़ना होने के कारण वाइब्रेशन भी कम होता है, इसमें जोड़ना होने के कारण वाइब्रेशन भी कम होता है और इन रबर का पट्टा होने के कारण इन पर नमी और वातावरण का असर नहीं होता है, परंतु ऑयल और ग्रीस के संपर्क में आने से यह खराब हो जाते हैं, यह खराब हो जाते हैं। यह हुआ हमारा तीसरा पॉइंट। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लास्ट पॉइंट दिया है इसमें नाइलॉन बेल्ट, सभी को समझाऊंगा। चौथा दिया हमारा नाइलॉन बेल्ट, चौथा दिया है नाइलॉन बेल्ट। इसमें देखेंगे कि नाइलॉन बेल्ट किस प्रकार होता है। हमने दो प्रकार के बेल्ट देखे थे, पहला देखे थे हमने लेदर बेल्ट और दूसरा देखे थे हमने कॉटन और टेनॉन बेल्ट। ये दोनों में क्या हुआ था, लेयर आया था, दोनों में लेयर उसका साइज दिया था, इन्हें मोटाई दी हुई थी। अब नेक्स्ट है नायलॉन बेल्ट, कि यह पट्टे नायलॉन की इच्छित मोटाई या पट्टे नायलॉन की इच्छित यह पट्टे नायलॉन की इच्छित
मोटाई की स्ट्रिप को जोड़कर तैयार किया जाता है। स्ट्रिप को जोड़कर तैयार किया जाता है। इनके ऊपर व नीचे कपड़ों का पट्टा इनके ऊपर व नीचे कपड़ों का पट्टा जोड़ दिया जाता है। कपड़ों का पट्टा यानी कॉटन लेयर जोड़ दिया जाता है। और इन पट्टों में ज्यादा वाइब्रेशन वाइब्रेशन नहीं होता है और नमी का प्रभाव नहीं होता। नमी का प्रभाव नहीं होता है तथा आयन और तथा ऑयल और ग्रीस ऑयल और ग्रीस का प्रभाव नहीं होता है। ऑयल और ग्रीस का प्रभाव नहीं होता है। ये दिया इसमें नायलॉन के पट्टे में 1400 था हमारा नायलॉन का पट्टा। इसके बाद जो हमने बेल्ट देखे थे रबर का पट्टा, उसमें ऑयल और ग्रीस लगे होने के कारण वह खराब हो जाता है। लेकिन नायलॉन बेल्ट में यह पट्टा नायलॉन की इच्छित मोटाई की स्ट्रिप को जोड़कर किया जाता है। इनके ऊपर व नीचे कपड़ों की पट्टा जोड़ दिया जाता है। इन पट्टों में ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होती। लेयर में क्या जोड़ा है उसने? कॉटन। जैसे ये दिया मेरा बेल्ट, ये क्या दिया है बेल्ट। अभी इसके ऊपर स्ट्रिप को जोड़कर ऊपर व नीचे कपड़ों का पट्टा यानी कॉटन लेयर यहां पे लगाया उसने, एक कपड़ों की लेयर सतह पर लगाया उसने। कपड़ों की लेयर लगे होने के कारण इसमें वाइब्रेशन बहुत ही कम होता है, वाइब्रेशन ज्यादा नहीं होता इसमें, और इसमें नमी का प्रभाव नहीं होता है। और ऑयल और ग्रीस का भी प्रभाव नहीं होता है। तथा
इसे स्पीड गति से चला सकते हैं, इसे स्पीड गति से चला सकते हैं। ये हुआ हमारा चौथा जो पॉइंट हुआ, चौथा जो पॉइंट है नायलॉन बेल्ट। नायलॉन बेल्ट इस प्रकार की नायलॉन की इच्छित मोटाई की स्ट्रिप को जोड़कर तैयार किया जाता है। इनके ऊपर व नीचे कपड़ों का ये आपको जो दिया है मैंने जो लेयर मैंने डायरेक्ट में बताया है, ये कॉटन की कैन लगाया उसने लेयर लगाया कपड़ों का पट्टा जोड़ दिया जाता है और इन पट्टों में वाइब्रेशन नहीं होती है, इन पट्टों में वाइब्रेशन नहीं होती है तथा ऑयल और ग्रीस का प्रभाव नहीं होता तथा इनसे हम स्पीड गति से चला भी सकते हैं। ये हुआ यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक खत्म। टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ बेल्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। बनावट के अनुसार हमने चार प्रकार के बेल्ट देखे हैं। हमने पहला दिया लेदर बेल्ट, दूसरा दिया हमारा कॉटन और कैनवास बेल्ट, तीसरा पढ़े हमने रबर बेल्ट एंड चौथा ये जो मैंने आपको बताया आपने चौथा पढ़े। ये हमारा ये चार प्रकार के बेल्ट पढ़ लिया। आप बच्चों आप सभी को जो टॉपिक मैंने आपको बताया है ब्लैक बोर्ड पर चार प्रकार के टॉपिक आपको समझाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।